क्लास 12 के स्टूडेंट्स जिनका सब्जेक्ट जो है इन्वायरमेंटल साइंस है। तो आज का टॉपिक है आपका इम्पेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन इन्वायरमेंट, यानी इन्वायरमेंट में जो है एयर पोल्यूशन का क्या इम्पेक्ट है, क्या इफेक्ट है, क्या क्या इफेक्ट्स डालता है एयर पोल्यूशन इन्वायरमेंट में, ये आज का टॉपिक है। तो स्टूडेंट्स, एयर पोल्यूशन के बहुत सारे जो है इफेक्ट्स हैं इन्वायरमेंट में। तो जैसे एयर पोल्यूशन जो है वो प्लांट्स में भी इफेक्ट डालता है, ठीक है। एयर पोल्यूशन जो है वो ह्यूमन बीइंग्स में भी इफेक्ट डालता है, बहुत सारे इम्पेक्ट्स डालता है, ठीक है। तो एयर पोल्यूशन का बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट एटमॉस्फेयर पे भी है, ठीक है। एयर पोल्यूशन का बहुत सारा इम्पेक्ट जो है वो मटेरियल्स पे भी है। तो आपको किसी के बारे में भी पूछ सकता है या जनरल में भी पूछ सकते हैं आपको कि कुछ 7-8 इम्पेक्ट्स लिखो एयर पोल्यूशन के, 10 इम्पेक्ट्स लिखो, या इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले एयर पोल्यूशन का जो है वो क्या क्या इम्पेक्ट्स है। पहले हम लिखेंगे किसमें, इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन इन प्लांट्स लिखेंगे, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन इन प्लांट्स, ठीक है। यानी एयर पोल्यूशन के क्या इम्पेक्ट, इम्पेक्ट सेम है, इम्पेक्ट और इफेक्ट सेम है, ठीक है। क्या इम्पेक्ट, क्या क्या इम्पेक्ट्स डाल सकते हैं एयर पोल्यूशन प्लांट्स में, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया प्लांट्स, ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, एटमॉस्फियर, मटेरियल्स, वो सब थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे क्या क्या इम्पेक्ट्स हैं। तो पहला इफेक्ट क्या होगा प्लांट्स में, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज होगी। रेट ऑफ फोटो, आप साथ साथ जो है यहाँ से भी लिख सकते हैं, ठीक है, कॉपी में उतार सकते हैं। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। क्योंकि पोल्यूटेंट्स की जो है वो कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी डिक्रीज होगी। तो और एक इसका इम्पेक्ट हो सकता है, प्लांट की प्रोडक्टिविटी पे भी असर पड़ेगा। प्लांट प्रोडक्टिविटी विल डिक्रीज, ठीक है। इससे जो है प्लांट की प्रोडक्टिविटी पे भी इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीजेस, सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज क्यों होगी, ड्यू टू जो हम पोल्यूटेंट्स जो प्रेजेंट होते हैं सॉइल में, ठीक है, उसकी वजह से, ड्यू टू पोल्यूटेंट्स, पोल्यूशन ज़्यादा होगा एयर पोल्यूशन, तो वहीं पोल्यूटेंट्स की वजह से जो है, मतलब जो सॉइल पोल्यूशन कॉज होगा, ठीक है। तो एयर पोल्यूशन की वजह से जो सॉइल पोल्यूशन कॉज होगा, तो उससे जो है सॉइल की फर्टिलिटी भी क्या होगी, डिक्रीज। जब सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज होगी तो कॉमन सी बात है इसकी प्रोडक्टिविटी भी जो है वो डिक्रीज होगी, ड्यू टू द पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट इन सॉइल, ठीक है, प्रेजेंट इन सॉइल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हुए कुछ इम्पेक्ट्स प्लांट्स पे। चलो और एक इसमें और भी हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, चेंज ऑफ पीएच ऑफ सॉइल, पीएच ऑफ सॉइल, सॉइल का पीएच भी चेंज हो सकता है, ठीक है। पीएच कैसे चेंज हो सकता है सॉइल का, ड्यू टू स्प्रे ऑफ, बहुत सारे हम जो है केमिकल्स जो है छिड़काते हैं, ठीक है। जैसे आप कह सकते हैं पेस्टिसाइड्स, पेस्ट्स को मारने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। बहुत सारे हर्बिसाइड्स होते हैं, फंगिसाइड्स, ठीक है, हम यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्प्रे जो है करते हैं हम सॉइल पे, तो उस वजह से सॉइल का पीएच भी हो सकता है, पीएच भी जो है वो चेंज हो सकता है, एसिडिक बेसिक हो सकता है, बेसिक एसिडिक हो सकता है, तो वो भी एक इम्पेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और भी एक है जैसे क्लोरोलिसिस, क्लोरोसिस,
क्लोरोसिस क्या होता है? देखो आपने देखा होगा लीफ का कलर क्या होता है, लीफ का कलर होता है ग्रीन होता है। ग्रीन क्यों होता है लीफ का कलर? लीफ का कलर ग्रीन इसलिए होता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है, ठीक है। क्लोरोफिल की वजह से जो है लीफ का कलर जो होता है वो ग्रीन होता है। तो इसमें जो है इसका कलर चेंज होता है, लीफ कलर चेंज फ्रॉम ग्रीन टू येलो, ठीक है। लीफ कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। बिकॉज क्यों हो जाता है, इसका भी कारण है, बिकॉज ड्यू टू हाई कंसेंट्रेशन ऑफ पोलूटेंट्स। पोलूटेंट्स का हाई कंसेंट्रेशन होने की वजह से जो है लीफ का कलर जो है वो चेंज हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं हम क्लोरोसिस, क्लोरोसिस, ठीक है। लीफ का कलर चेंज हो जाता है। पॉइंट नंबर सिक्स, और एक होता है इसमें नेक्रोसिस, ठीक है। नेक्रोसिस आपने देखा होगा, इसका मतलब है डेथ ऑफ सेल और टिश्यू, किसी भी प्लांट का जो है सेल या टिश्यू जो है वो डैमेज हो जाना। कभी आपने देखा होगा जैसे ये एक लीफ है, ठीक है, एक लीफ है ये, ठीक है। कभी आपने देखा होगा लीफ पे जो है छोटे छोटे ऐसे सपोर्ट्स, दाग दाग निकलते हैं, ये सुराख हो जाते हैं, छोटे छोटे सपोर्ट्स हो जाते हैं ऐसे, ठीक है। कभी आपने देखा होगा, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि उस एरिया में जिस जगह पे ये पत्ते जो है इनमें छोटे छोटे सुराख हो जाते हैं, इससे ये पता चलता है कि उस एरिया में जो है क्या होगा, उस एरिया में जो है पोलूटेंट्स की जो है कंसेंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। पोलूटेंट्स की कंसेंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से इसमें एक किस्म की जो है सपोर्ट्स अकर करते हैं, यानी दाग हो जाते हैं, इसे सुराख हो जाते हैं, तो उसी को बोलते हैं निक्रोसिस। तो ये हो गए आपके प्लांट्स में जो है कुछ जो है, और एक भी एक है इसमें स्टोमेटल ब्लॉकेज, स्टोमेटल ब्लॉकेज। कभी कभी स्टोमेटल ब्लॉकेज भी होता है और उस वजह से एंड लो ट्रांसपिरेशन रेट, ट्रांसपिरेशन रेट भी जो है वो लो हो जाता है, ठीक है। स्टोमेटल ब्लॉकेज एंड लो ट्रांसपिरेशन हो जाता है, ठीक है। लो ट्रांसपिरेशन रेट, ट्रांसपिरेशन रेट भी काफ़ी स्लो हो जाता है, ठीक है, लो हो जाता है। तो ये हुए इम्पेक्ट्स कुछ किस पे, ये प्लांट्स पे, ठीक है। अब हम देखेंगे इम्पेक्ट्स जो है इसके, इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन, इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स पे भी बहुत सारे इफेक्ट्स पड़ते हैं। जैसे पहला आई पे इफेक्ट पड़ सकता है ज़्यादातर एयर पोल्यूशन से, नोज एंड थ्रॉट इरिटेशन, तो एयर पोल्यूशन की वजह से आई पे इफेक्ट, नोज पे इफेक्ट पड़ सकता है और थ्रॉट में इरिटेशन भी हो सकता है,
ठीक है, कॉमन सी चीज़ें हैं ये। दूसरा, इरिटेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, इरिटेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। इरिटेशन का थोड़ा ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, इरिटेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी जो है वो इरिटेशन हो सकती है। और भी बहुत सारे इम्पैक्ट्स हैं जैसे अस्थमा अटैक भी हो सकता है। अस्थमेटिक अटैक, ठीक है, अटैक्स हो सकते हैं अस्थमेटिक अटैक्स, जैसे आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा अस्थमेटिक पेशेंट्स, ठीक है। तो इसके अलावा और भी हो सकते हैं बहुत सारे, जैसे ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो सकती है। ये पॉइंट नंबर आया आपका 4। क्या हो सकता है, रिड्यूस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ बुलेट, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो सकती है। वो ऐसे हो सकती है जब हम, ये ज़्यादातर जो है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है ये कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से होती है। ये कैसे होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसे आपको पता है हमारे ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीम एक आयरन पार्ट होता है, ग्लोबिन प्रोटीन पार्ट होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये कंबाइन होता है किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ, ठीक है। अगर देखो जो हम गैस लेते हैं वो कौन सा गैस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं ऑक्सीजन इसके साथ कंबाइन होता है तो उसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं। लेकिन जहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड का और कंसेंट्रेशन ज़्यादा होगा तो इसकी हाई एफिनिटी होगी, मतलब हीमोग्लोबिन ज़्यादातर प्रेफर करेगा। हाई एफिनिटी का मतलब है ज़्यादा प्रेफर किसको करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड को प्रेफर करेगा, ठीक है। तो हाई एफिनिटी होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, ऑक्सीजन से भी ज़्यादा होती है। तो ये हीमोग्लोबिन जो है कार्बन मोनोऑक्साइड को खींचेगा, ठीक है, हाई एफिनिटी की वजह से। तो क्या मिल गया आप, अब जहाँ पर ऑक्सीजन मिलना चाहिए था, हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनना चाहिए था, वहाँ पर और एक कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाता है हीमोग्लोबिन, तो उसको हम बोलते हैं कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो वहां पे बन जाता है कार्बो हीमोग्लोबिन, ठीक है, कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। तो ये कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो हमारे जो है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, अब यहाँ क्या पूछ गया, कार्बन मोनोऑक्साइड पूछ गया, जहाँ क्या पूछना चाहता है, तो ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो सकती है, ठीक है। यानी आप ऑक्सीजन नहीं पूछ के क्या पूछ गया, कार्बन मोनोऑक्साइड पूछ गया, कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन पूछ गया हमारे ब्लड में, ठीक है। अब कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन पूछने की वजह से हमारे क्या इम्पैक्ट्स पड़ सकते हैं, इसकी वजह से जो है एक तो आपको सर में दर्द हो सकता है, अनकॉन्शियसनेस हो सकता है आपको, ठीक है, और डेथ भी हो सकती है, ठीक है। इसीलिए बोला मैंने रिड्यूस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ बुलेट, ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है क्योंकि यहाँ जो है कार्बन मोनोऑक्साइड को जो है कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हो जाएगा, इसकी हाई एफिनिटी होती है जिस वजह से कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इस वजह से इंसानों की डेथ भी हो सकती है। डेथ क्यों होगी, क्योंकि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, तो वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी।
एक इम्पैक्ट है, और एक इम्पैक्ट हो सकता है इसमें, जैसे आपको पता है किडनी फेलियर भी हो सकता है, ठीक है, किडनी पे इफेक्ट डालेगा, ब्रेन पे इफेक्ट डालते हैं एयर पोल्यूटेंट्स, और लिवर डैमेज हो सकता है, ठीक है, ये भी एक इम्पैक्ट है। इसके अलावा और भी हैं, ठीक है, जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं,